Hey guys, so today let me take you to the one of the most beautiful places in my city. In today's vlog, you wanna experience the nature very closely, just like I did with some of my friends. We started with the Burgi Dam and ended in Paili, and that too in an adventurous way. So let's start the journey. Hey guys, welcome back to our channel. We are doing absolutely great. So finally आज वो दिन आ ही गया जब हम एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहे हैं और हम विदिन अ सिटी जा रहे हैं बर्गी डैम. सो अभी बेसिकली बर्गी डैम के जहाँ तक मुझे पता है कि सारे गेट्स वगैरह क्लोज होंगे, बट फिर भी जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है. सो जाके देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या है और आपको भी दिखाते हैं वहाँ की रोड्स वगैरह. बाकी जो हुआ, 3 months कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाए थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और ज़्यादा सेफ भी नहीं था ट्रैवल करना. सो जो भी व्लॉग्स वगैरह थे वो आना एक तरीके से कम ही हो गए थे, बट अभी सब कुछ ओपन हो गया है. दो चीज़ें अभी भी नॉर्मल नहीं है, सो फुल प्रिकॉशन के साथ, फुल सेफ्टी के साथ हम ट्रैवल करेंगे. बाकी आपको बता दूँ, मैंने दोनों डोज लगवा लिए अपने वैक्सीनेशन के. सो अगर आपने अब तक नहीं लगाया है तो आप भी जाके लगवा लीजिए, और अगर आपका फर्स्ट डोज अभी पेंडिंग है तो आप जाके डायरेक्टली भी किसी सेंटर में लगवा सकते हैं, क्योंकि अब वो रजिस्ट्रेशन वाला इशू नहीं होना चाहिए. जहाँ तक मुझे पता है कि मैं भी रिसेंटली सेकेंड डोज के लिए गया था तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगा था, और हमने कहा था आप डायरेक्टली भी लगवा सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. बट चेक कर लीजिए आप अपने सेंटर में जाके कि ऐसा हो रहा है कि नहीं जाने से पहले. अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल जाके अपना डोज ले सकते हैं. ओके, सो नाउ बात करते हैं आज की. तो आज है 19th of June बेसिकली, और अभी बज रहे हैं 10, और हमने सोचा है कि 2 बजे तक हम यहाँ से निकलते हैं. 2 बजे के निकलेंगे, देन शायद एक या डेढ़ घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे सबको पिक विक करके. कौन कौन आ रहा है उससे मैं आपको रास्ते में बता दूंगा, और देखते हैं कैसा लगता है वहाँ पे. बेसिकली अभी तो सब डैम वैम तो ऑलरेडी क्लोज है, बट वहाँ एक रिजॉर्ट है वो ओपन है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा जाके. रोड्स काफ़ी अच्छी हैं जाने के लिए, सो वो भी अच्छा लगेगा. और वेदर जो है वो भी अभी बहुत अच्छा है, बादल वगैरह हैं. आई होप बारिश ना हो बस, क्योंकि बारिश होगी तो कैमरा वगैरह के लिए थोड़ा इश्यू हो जाता है. सो लेट्स गो. और फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ जिम, अपना वर्कआउट कंटिन्यू करता हूँ. अभी रिसेंटली मैंने जिम भी वापस चालू कर लिया, रिज्यूम हो गया जिम. सो फिलहाल तो ज़्यादा कोई लोग आ नहीं रहे हैं, मैं और मेरा जो जिम पार्टनर है वही वर्कआउट कर रहे हैं अभी उस जिम में. सो जाता हूँ मैं अभी अपना वर्कआउट करता हूँ, वापस आता हूँ, रेडी होता हूँ, एंड देन वी विल हिट द रोड. सो मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी आप सबसे, जिनको नहीं पता है मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन M200 अपने व्लॉगिंग के लिए विद बेसिक लेंस, विच एक्चुअली अब किट लेंस 1545mm का किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा बहुत वाइड एंगल मुझे प्रोवाइड कर देता है. बट अभी थोड़ा सा मैंने सेटअप अपग्रेड किया है. क्या क्या अपग्रेड किया है वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, लेकिन एक छोटा सा अपग्रेड आपको बताता हूँ. एक छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा अपग्रेड है वो. मैंने अभी मुझे रिसेंटली एक 50mm लेंस मिला है. क्या कहाँ से मिला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल्स उसके बारे में. सो 50mm लेंस मुझे जो मिला है उससे आपको आज सिनेमैटिक शॉट्स देखने मिलेंगे. आई होप क्वालिटी थोड़ी सी अपग्रेड हो जाए इसकी वजह से, और आपको भी अच्छा लगे वो सारे सिनेमैटिक शॉट्स देख के. सो डू लेट मी नो कैसा लगा आपको वो सिनेमैटिक शॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और चलिए अब मैं निकलता हूँ अपने जिम के लिए, एंड मिलता हूँ आपको वर्कआउट के बाद. सो आई एम रेडी राइट नाउ, और बस अब निकलने वाले हैं यहाँ से. जो मुझे अपने जो गियर्स हैं, कैमरा गियर्स, वो बेसिकली लेना है. ये वाला बैग रख रहा हूँ मैं, और एक ट्राईपॉड रख रहा हूँ, एंड ऑल्सो द मोनोपॉड रख रहा हूँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो. कुछ अगर ऊपर से शॉर्ट्स वगैरह जो हाई एंड हाई टॉप शॉर्ट्स होते हैं अगर वो ले पाया तो ले लूँगा उससे. ये रहा मेरा मोनोपॉड, एंड दिस इज़ द ट्राईपॉड दैट आई एम टेकिंग विद मी. बाकी तो जो जो एक्सेसरीज है वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ अपने लास्ट वीडियो में. और चलिए फिर निकलते हैं, और पहले गाड़ी निकालता हूँ, देन वहाँ से आपसे मिलता हूँ. अरे हाँ, जस्ट दिस इज़ द वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बैटरी जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, कि कैमरे की बैटरी जो है वो अगर जल्दी डाउन होगी तो फिर आगे का ब्लॉग कैसे शूट हो पाएगा. ये वो बैटरी है. ये एक्चुअली मेन कैनन की जो ओरिजिनल बैटरी है वो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे. बाकी जो मेरे अभी इस कैमरे में डली हुई है वो जो है वो एक्चुअली एक दूसरी कंपनी की बैटरी है, उसको अभी ला के रखा कि ये चार्ज हो रही थी बेसिकली. अभी बंद करता हूँ पहले इस रिकॉर्डिंग को, एंड देन आपसे कार निकाल के मिलता हूँ.
सो अभी मैं आया हूँ श्वेता और सुजाता और मनीष को पिक करने के लिए। अभी बच गए हैं 3 और हम समय से ऑलरेडी 1 घंटे लेट हो चुके हैं। बट लुक एट द वेदर आउटसाइड, इट्स वेरी गुड। हवा चल रही है अच्छी सी और बादल वगैरह हैं, तो आई होप ऐसा ही रहे। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है पर ठीक है, इतना चल जाएगा। सो वेट कर रहा हूँ उनके घर के बाहर अभी उनका आने का। जैसे ही वो आते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। कुछ 33 किलोमीटर का रास्ता है अपने रेलवे स्टेशन से बरगी डैम का। सो 1 घंटे जहाँ तक लगेगा, मुझको लगता है वहाँ पहुँचने में 1 घंटे से कम ही लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो जैसे वहाँ पहुँचेंगे वहाँ फिर देखते हैं और कितना टाइम लग सकता है। सो क्या क्या है वहाँ पर अभी मुझे भी आइडिया नहीं। लास्ट टाइम मैं कुछ 2012 में गया था, मतलब अब से 9 साल पहले गया था, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा बेसिकली। सो लेट्स सी क्या होता है। फाइनली हम निकल चुके हैं और आज है साथ में सुजाता। कहाँ गई? ये नया एडिशन ज्वाइन हुआ है आज हमारे ट्रिप में, और बाकी श्वेता एंड मनीष। सो हम जा रहे हैं तिलहरी की तिलवारा के रास्ते से ना। हाँ, हम तिलहरा के बरगी तिलवारा के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं अभी, और पीछे मेडिकल क्रॉस हो गया है। और अभी थोड़ी बहुत धूप निकल आई है वापस से। कल तक का मौसम बहुत अच्छा था, इवन सुबह जब तक निकले तब तक का ही मौसम अच्छा था, पर अभी वापस से धूप आ गई है। वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि थोड़े बादल आ जाए, पर देखते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बरगी डैम, और नागपुर हाईवे के थ्रू आए थे तो रास्ता काफ़ी अच्छा मिला। बीच में एक टोल पड़ा था जिसकी कुछ था 130 रुपीज़ का टोल था वन वे का, तो हमने 2 साइड का लिया, 260 रुपीज़ का पड़ा। बाकी यहाँ पे गोलू मतलब सुजाता नॉट गोलू, ठीक है, और यहाँ पे मनीष और श्वेता आ रहे हैं अपने पानी की बॉटल लेके। बाकी हमें जाना है वो सीढ़ियाँ जो है वहाँ से ऊपर, तो ये बेसिकली बरगी डैम का जो गेट है वहाँ से वहाँ जाते हैं, और ये लोहे का ब्रिज यहाँ से पार करना है इसको। थोड़ा सा हिल रहा था जब मैं चल रहा था इसके ऊपर, तो बड़ी सेफली यहाँ से जाना पड़ेगा। ये पूरा हिल रहा है ब्रिज। ओके, सो हमने गाड़ी जो है वो पीछे वहाँ कहीं पार की है रोड में, और अब सीधे से जा रहे हैं ऊपर। देखते हैं कैसा दिखता है ऊपर से। मैं पहली बार एक्चुअली ऊपर जा रहा हूँ, उसके पहले कभी ऊपर गया नहीं इन सीढ़ियों के थ्रू। सो हाँ, लेंस वगैरह चेंज करना पड़ेगा, अभी इसी से लेगा ना? नहीं हो पाएगा। हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है पूरा व्यू। सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और जब ऊपर आए हैं तो मैं आपको जस्ट एक व्यू दिखाता हूँ किस तरह से लग रहा है अभी। ओके, जस्ट सी दिस व्यू। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी वहाँ वहाँ तक पानी है पूरा, और ये पूरा जो है लेक के वहाँ तक है। बेसिक बरगी डैम जो बना है वो नर्मदा नदी के बना हुआ है। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड आई एम डैम श्योर कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा इस चीज़ को, बट इट्स लुक रियली ब्यूटीफुल। सो अब भी हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं पायली के लिए। सो पायली में बेसिकली हमारी एक फ्रेंड है जो कि वहाँ पे रेंज ऑफिसर है वो, तो उसने बुलाया है हमको, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अच्छी, तो वो भी कवर करते हैं यहाँ तक आए हैं तो। यहाँ से कुछ 15 से 16 मिनट का रास्ता है वहाँ का। सो चलते हैं। सो बरगी से पायली का रास्ता कुछ 16 किलोमीटर का है, हम 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। सो अभी हम हैं पायली में, और हम जा रहे हैं नेचर ट्रेल में। काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है, और अभी हम आपको मिलवाते हैं रेंजर मैडम से जो हमारी कॉलेज की फ्रेंड थी। मैडम आप जो बोलो मैडम, जल्दी जल्दी चलो, आप चलो हम चलेंगे। जी सर, वो सर ही बोलते हैं ना तुमको? मैडम सर रोक लिया
होगा, मैं वो उसी के लिए कॉल कर रही थी। हाँ। तो बता देना। ये है वो मैडम जिनको तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। तुम लोग इंट्रोड्यूस करा दे रुचि। नहीं नहीं ठीक है। अरे क्यों यार, मैंने तो पहले ही बोल दिया। पहचान जाएंगे बस, वैसे भी जो जानते हैं ना। अभी अगर कुछ शूट करेंगे ना, सिर्फ फॉरेस्ट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है। हाँ ना यार। तो उस दिन मैं थोड़ा यूनिफॉर्म में आऊंगी अपने, उनको भी लेकर आऊंगी ना के दादा। अलावा अगर वो उधर छोटा सा उधर तक जा सकते हैं। वाह वाह वाह। हाँ लेकिन जा नहीं पाएंगे। मैं तो बस वहाँ का वेट कर रही हूँ। मुझे पता होता कि सीढ़ियाँ इतनी उतरनी है तो मैं लेग्स नहीं करता आज, लेकिन अब लेग्स किया है तो थोड़ा सा और एक्सरसाइज हो रही है। काफी सारा अभी तक पता नहीं था इतना अच्छा व्यूज और इतनी अच्छी अच्छी जगह भी है जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की थी, जो आज देखने मिल गई। सीरियसली अगर ये बहुत ही सडन प्लान बना था हमारा आने का, और बहुत ज़्यादा वर्थ है अभी पूरा टाइम लेके आना यहाँ पे। सो आई गेस सीढ़ियाँ क्या 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 लगे हुए। अच्छा हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो फाइनली नीचे आ गए हैं, पूरा क्रॉस कर लियो पाथ, और यहाँ पे बस व्यू देख रहे हैं। ये रहा पूरा व्यू, एक लेक है पूरी यहाँ पे, और पीछे भी बहुत सुंदर लेक। हाँ हम लोग तो काफी सुंदर हो गए हैं, पसीना पसीना हो गया है, सारा मेकअप धुल चुका है और मजा आ रहा है। जबलपुर के आसपास भी इतनी ज्यादा सुंदर जगह है और काफी अच्छा फील होगा जब आप यहाँ आएंगे तो। नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रहती है यहाँ पे, और आइए जरूर, काफी ज्यादा कनेक्टेड लगेगा आपको इस यहाँ पे आके। काफ़ी सारे आप शॉर्ट्स या फोटो शूट वगैरह जो जो आप चाहें वो सब कर सकते हैं। और चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ है, ख़त्म होगा नहीं अभी जल्दी, क्योंकि टाइम हमने बहुत एक्चुअली ज़्यादा टाइम हमने बर्गी में लगा दिया तो यहाँ ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया, जबकि कायदे से यहाँ पहले आ जाना चाहिए था तो काफ़ी कुछ घूमने मिल जाता हमको। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इसी के लिए आएंगे। सो यहाँ पे लेक बनी हुई है उधर, एंड देन इधर, और हम सीधा सीधा भी जा रहे हैं पूरा स्ट्रेट। थोड़ा और आगे जाना है, वहाँ पे टापू भी है, तो बेसिकली उस टापू में जा रहे हैं अभी। शायद चल के आए हैं उतना, वो वापस जाना है तो लौटते लौटते 7:30 तक बज जाएगा। अभी करेंटली 7 बज रहे हैं और अंधेरा भी होने लगा है थोड़ा बहुत। काफ़ी सारी, अगर आप ध्यान सुनेंगे तो बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी अभी। एंड चलिए, सो वो रहा वो टापू जहाँ हमें पहुँचना था। एंड बेसिकली देख क्या प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पीछे देखा कहाँ से आए हैं, और हम यहाँ से आए थे पूरा चल के, और इस तरफ जो है ये पूरा मंडला रेंजेस लगता है, एंड दिस साइड इज़ जबलपुर रेंजेस। सो कितना बड़ा है आप खुद ही सोच सकते हैं, कितने ज़्यादा एरिया में फैला होगा। वो गेस्ट हाउस वहाँ से चल के आए पर यहाँ से दिख भी नहीं रहा होगा गेस्ट हाउस। सो वो काफ़ी दूर जो दिख रहा है वो एक्चुअली गेस्ट हाउस है, वहाँ से हम चल के आए थे, और फाइनली अब यहाँ यहाँ जाना है। सुबह बैठे बैठे हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, और करीब 7:30 बजे हमने वहाँ से चलना स्टार्ट किया, और रास्ते में ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। सो इस वजह से कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाया लौटने का, बट जो हमने एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। खाना खाने के लिए बम बम ढाबा में रास्ते में पड़ता है, और ऑर्डर कर दिया है। आगे कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बारिश हो गई, पूरा जो रास्ता था वो पूरा मिट्टी से हो गया था, तो ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाया अब। और अब वेट कर रहे हैं अपने खाने का, जैसे वो आता है यहाँ से खा के निकलते हैं, क्योंकि लेट हो गया और अभी बज गए हैं 10:00, तो पहुँचने में अभी भी 1 घंटा लगेगा हम लोगों को यहाँ से।
और जिस इसको डांट पड़ने वाली है वो तो पड़ेगी। डांट पड़ेगी क्या? डांट पड़ेगी क्या? So here, a beautiful journey comes to an end. Nature makes us learn lots of things. In today's journey, I found myself connected to nature. Hope you guys like this vlog. Please do hit the like button. Subscribe to our channel. Milte hain aise kisi naye vlog mein. Until then, goodbye and take care. Jai Hind.